जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जॉब सीकर स्टडी में। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं ICSIL की तरफ से जो डाउट क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों हम आज आपके जो है डाउट क्लियर करने जा रहे हैं जो कि आपको जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम जो है हर रोज यहाँ पे जो है वीडियो अपलोड करते हैं जॉब से रिगार्डिंग। जो बच्चे अपना जॉब सर्च करना चाहते हैं, चाहे आउटसोर्स वैकेंसी हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो जो भी व्यक्ति अगर जो यहाँ पे जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं ICSIL की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 397 था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बताते चलें, यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी एक कस्टमर केयर की ओर से बात हो चुकी है। तो हम जो है क्या कुछ रहा और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात और बताते चले, क्योंकि जिन बच्चों का ये डाउट था कि मैंने जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया है बट यहाँ पे जो है प्रिंट आउट नहीं ले पाया और ना ही मैं स्क्रीनशॉट ले पाया, तो आपको जो है यहाँ क्लियर ही मेंशन कर देते हैं। आपने अगर जो मोबाइल से फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना था। अगर जो आप नहीं ले पाए तो आपको क्या करना था, आपको जो है यहाँ पे उसका जो आईडी नंबर था, जैसे कि ICSIL/397/ जो भी आपका लास्ट में 4 डिजिट अंक था वो आपको नोट कर लेना था या है, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे अगर जो आपने सिस्टम से अप्लाई किया तो सेम वही प्रोसीजर करना था आपको। यहाँ पे जो है आपको PDF के माध्यम से Ctrl+P के कंट्रोल करके और आपको जो है वो प्रिंट PDF में सेव कर लेना था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाए कुछ बच्चे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो लास्ट के जो है 4 डिजिट याद रख लेना है, अन्यथा आप जो है प्रॉब्लम फंस सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है कस्टमर केयर की ओर से बात हुई है, आपको जो है बताते चलें कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए या फिर आपका एग्जाम होगा, ये आपको बहुत बच्चों का डाउट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डाउट क्लियर हो गया है, समझ लीजिए आप। अप्रैल में जो है आपका इसके पास आपको जो है इसके ICSIL की तरफ से जो है मैसेज आने वाला है या फिर मेल आएगा। तो दोस्तों आपको जो है बहुत जल्दी 20 अप्रैल के आसपास, जहाँ तक समथिंग मेरे अकॉर्डिंग जो है टेंटेटिव डेट जो है यहाँ पे बता दी गई है कस्टमर केयर की ओर से, तो आपको जो है 20 अप्रैल तक जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और बच्चों का जो है यहाँ पे यहाँ पे मेल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए और क्या कुछ रहा कस्टमर केयर की ओर से, मैं आपको मेंशन करने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने MTS का जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था उसका लेटर कब तक आने वाला है, उसकी संभावना क्या है, आपको जो है वो भी सुनवाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर बच्चों का डाउट क्लियर हुआ है, जितने भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं, तो आप जो है एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपको और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो अपडेट अपलोड करता रहूं। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग सर। ICL, गुड मॉर्निंग सर। सर जानकारी एक चाहिए थी। हाँ जी बोलिए सर। ये जो अभी एक एडवर्टाइजमेंट नंबर निकला है 397 सर, जल्द बोर्ड का है वो। जी जी जी। तो सर उसकी जानकारी ये चाहिए थी कि उसमें जो है मतलब तो प्रिंट नहीं निकल पाए किसी का प्रिंट, फॉर्म भरा था उसके बाद। जी जी जी। और उसके बाद दोबारा लॉग इन करने का कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो क्यों एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं हुई थी क्या सर? एप्लीकेशन आईडी मिल चुकी है, लेकिन उसमें जो है सबमिट जब करते हैं ना फिनिश, तो फिनिश करने पे जो है सर उसमें कोई प्रिंट आउट वाला सिस्टम नहीं दे रखा था, डायरेक्टली फिनिश हो गया वो, उसके बाद उसमें आ गया यू हैव सक्सेसफुल। तो आप अपनी एप्लीकेशन आईडी बताओ मेरे को। गुड मॉर्निंग सर। सर 2082 2082 मतलब ICSIL/2082 ठीक है, इसको नोट करके रखो आप। ठीक है जी। और सर एक जानकारी और चाहिए थी सर, ये कब तक लो मतलब इसका इंटरव्यू होगा? ये होगा कम से कम 20 अप्रैल के आसपास आएगा। 20 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास। और सर MTS का जो अप्लाई किया था फॉर्म, तो सर उसका क्या कुछ 374 का? जी नहीं, अभी उसको किसी को लेटर नहीं भेजा हमने। मतलब कब तक होने की संभावना सर? वो टाइम लगेगा अभी, अभी तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज ये चल रहा है ना, तो उसमें बिजी हो रखे हैं। तो दोस्तों आपका जो है डाउट क्लियर हो चुका होगा अपने रिकॉर्डिंग सुन करके। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे और एक बात और बताते चलें, आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले हो सकता है एग्जाम देना पड़े या फिर इंटरव्यू देना पड़े, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और टाइपिंग टेस्ट करना पड़े। तो दोस्तों
जैसे न्यू अपडेट आती है हमारे पास, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आपको जो है सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल जॉब सीकर स्टडी पे जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अपना प्यार, अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।